नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है, जिसका नाम है बाय सेल सिग्नल सॉफ्टवेयर। तो अगर आप शेयर मार्केट में काम करते हैं और लॉस से परेशान हैं, या फिर आप जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना रिटर्न आपको नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के मेरा वीडियो को देख लीजिए, शायद आपके लिए कुछ बेनिफिट हो सकता है। आज को मैं निफ्टी फ्यूचर के ऊपर बेस करके एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा जो मार्केट में कॉल कैसे बनता है, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग कॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और बेसिकली साइडवेज मार्केट में कैसे आप लॉस से बच सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ट्रेंडी मार्केट में तो कोई भी इंडिकेटर अच्छा परफॉर्मेंस देके चला जाता है, बट साइडवेज मार्केट में हम लोग जनरली लॉस खा जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है लॉस को बचाना। अगर आप लॉस को रोकना सीख गए तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का परफॉर्मेंस निफ्टी फ्यूचर का ऊपर। और शुरू करने का पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, अगर आप इस मार्केट में न्यू हैं, अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या हम लोग का थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, जैसे हम लोग एलएस ब्रू के साथ काम करते हैं, काफ़ी अच्छा ब्रोकर कंपनी है, काफ़ी सारा फैसिलिटीज भी दे रहे हैं। और भी डिटेल्स में जानकारी लेने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, अकाउंट ओपनिंग का एक फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, लिंक को ओपन करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, आपका बस एलएस ब्लू की तरफ से फोन चला जाएगा। मन में जो भी डाउट या क्वेरीज आप कर सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे तो ही ज्वाइन होइए। तो चलिए देखते हैं निफ्टी फ्यूचर का आज का परफॉर्मेंस। आज को 11 तारीख है, ऊपर में डेट एंड टाइमिंग भी शो कर रहे इच एंड एवरीथिंग। आज को यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ था, थोड़ा सा गैप अप हुआ है 11 तारीख मार्केट यहाँ पर। तो आज का इस मोमेंट में कैसे काम करना है, देखा जाए तो आज का टोटल जो परफॉर्मेंस था, मार्केट साइडवेज था। देखिए मार्केट एक रेंज का अंदर घूम रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ किया हूँ तो इसका अंदर देखिए मार्केट सारा दिन इसका अंदर घुमा है। अब इसमें किस हिसाब से आपको ट्रेड पकड़ना है और कैसे आपको बचना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऊपर में देखिए आपको दो लाइन दिखाई देगा, एक ब्लू एंड रेड टाइप का, नीचे में भी वही सेम ब्लू एंड रेड टाइप का लाइन दिखाई दे रहा है। तो ये वन काइंड ऑफ एक चैनल क्रिएशन होता है जो इसका अंदर मार्केट जनरली घूमेगा। तो देखिए सुबह को मार्केट जब ओपन हुआ था तो लगभग इसका अपर चैनल को हिट कर दिया था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। ऑलरेडी अगर अपर चैनल को हिट कर चुका है, इसका मतलब है शायद इसका बाद और मार्केट ऊपर ना जाए, मार्केट नीचे का तरफ आए। तो नीचे आने का एक संभावना होता है, कितना दूर तक, नीचे का जो दो लाइन चल रहा है ये जो ब्लू एंड रेड टाइप का, दिस इज द लोअर चैनल, और इतना नीचे गिरने का एक संभावना होता है। तो काफी देर तक देखिए मार्केट यहाँ पे साइडवेज करके रखा है, और फाइनली यहाँ पर एक सेलिंग का कॉल बना। तो ये कॉल बना था 1:05 पे लगभग। तो जब भी कोई कॉल बनेगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये है, जो इतना देर तक वेट करने का बाद जब हम लोग को कोई कॉल मिलता है तो हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, लगता है जो मार्केट इतना देर तक साइडवेज रहा है अभी शायद कुछ ना कुछ मूवमेंट करेगा, और सेल का कॉल दिया तो ऑब्वियसली सेलिंग ही होने वाला है। तो ऐसा एक सोच हम लोग बना लेते हैं, बट एक्चुअली हम लोग इस टाइप का सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो आपको कॉल को, मतलब कॉल से, फेक कॉल से बचना कैसे है, देखिए सेलिंग का जब कॉल बनेगा नीचे में एक रिबन चल रहा है जिसका कलर को देखना है, इसका कलर रेड होना चाहिए, तो ये रेड ही था पहले से ही, तो यहाँ पर सेलर्स स्ट्रांग है, इंडिकेट कर रहे हैं। मिडिल में दो लाइन चल रहा है जो एक बार ग्रीन हो रहा है एक बार पिंक हो रहा है, तो सेलिंग का टाइम ये पिंक हो जाएगा, तो यहाँ पर पिंक भी हो गया था, तो ये भी कंफर्मेशन आपको मिल गया था। बट जो चीज़ आपको रोक लिया वो है आपका वॉल्यूम प्रेशर। अगर आप सुबह से थोड़ा नोटिस करेंगे तो सारा दिन यहाँ पर जो वॉल्यूम का प्रेशर है टोटली पॉजिटिव में है, मतलब बाइंग वॉल्यूम है। तो जब आप सेल करने जा रहे हैं ऑब्वियसली जो वॉल्यूम प्रेशर है वो नेगेटिव में होना चाहिए, पॉजिटिव में नहीं। तो ग्रीन मतलब ये पॉजिटिव प्रेशर है, अगर रेड होता तो सेलिंग प्रेशर, मतलब नेगेटिव प्रेशर होता। एक्चुअली क्या होता है, मैक्सिमम टाइम हम लोग सिर्फ प्राइस को देखते हुए ट्रेड लेते हैं, प्राइस गिरता है उठता है हम लोग बाय सेल कर लेते हैं, बट प्राइस का साथ साथ वॉल्यूम को चेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइस का मूवमेंट हो रहा है एज वेल एज वॉल्यूम का भी मूवमेंट हो रहा है, तब जाके आप वहां पर एक बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज नॉट। तो ये जो सेल का कॉल बना था इतना देर मार्केट फ्लैट करने के बाद, फिर भी ये सेल का कॉल में आपको ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि आपको नीचे में जो वॉल्यूम प्रेशर दिखाई दे रहा है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव प्रेशर नहीं है। तो आप अगर यहाँ पर सेल कर लेते तो आपको यहाँ पर लॉस हो सकता था। फाइनली देखिए यहाँ पर एक बाइंग का कॉल बना था लगभग 2 बजे, टाइमिंग 2 बजे का आसपास था, 18,398 पे कॉल बना था। अब ये जो बाय का कॉल बना है, देखिए नीचे का रिबन ग्रीन है, वॉल्यूम प्रेशर तो सुबह से ही बाइंग पे है, मिडिल का दोनों लाइन ग्रीन है, तो ये 2 बजे का कॉल को फिर भी आप एंट्री ले सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट करने के लिए। तो 398 से देखा जाए ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया था, फिर भी 35 to 40 पॉइंट का एक मूवमेंट हुआ है। जनरली साइडवेज मार्केट में इससे ज़्यादा मूवमेंट हम लोग नहीं देखते, बट फिर भी अगर आप पॉजिटिव में 30-40 पॉइंट भी कमा रहे हैं तो भी एनफ है। तो एक ही चीज़ मानना है, डेली ट्रेड होगा डेली अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ऐसा नहीं, लॉस को रोकना सबसे इंपॉर्टेंट है। लॉस रोकना सीख जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा। अगर महीना में 15 दिन भी ट्रेड कर रहे हैं तो जेन्युइन कीजिए, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं जो 3 दिन प्रॉफिट किए या 4th दिन पूरा 3 दिन का प्रॉफिट चला गया।
तो दिन में एक ट्रेड कीजिए, बट परफेक्ट कीजिए। अगर कोई अच्छा ट्रेड आपको नहीं दिख रहा है तो ट्रेड करने का जरूरत नहीं है। तो ये था निफ्टी का एक परफॉर्मेंस जो लगभग साइडवेज मार्केट था, ट्रेड नहीं किए, बट लास्ट में जो बाय का कॉल बना था उसमें कंसेप्ट मैच था। यहाँ पर एंट्री लेके फिर भी हम लोग निफ्टी फ्यूचर में अगर 30-40 पॉइंट भी निकल रहे तो छोटा मोटा प्रॉफिट हम लोग यहाँ से बना सकते हैं। तो कैसा लगा कंसेप्ट जरूर कमेंट करके बोलिए। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि इस तरीके का वीडियो आपको मिलता रहे। मन में कोई भी डाउट या क्वेरीज रहा कमेंट कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।